इनविक्टो, मारुति सुजुकी की तरफ से एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनने वाला है। 2 लीटर का इंजन पहली बार किसी मारुति कंपनी की गाड़ी में आने वाला है। इनविक्टो क्या है, क्यों है, कैसे है, सारा कुछ डिटेल में बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख ले और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनोवा हाई क्रॉस यानी कि जो टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस आती है उससे 15 अलग चीज़ें हैं इस मारुति सुजुकी इनविक्टो में। डिटेल वीडियोज इसकी ड्राइव रिव्यू से लेकर इसके प्रॉपर वॉक अराउंड्स बहुत जल्दी चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले बिकॉज कंपैरिजन भी बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं इनविक्टो व्हीकल यानी कि इनविक्टो एसयूवी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, इंटीरियर एक्सटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, वेरियंट्स, प्राइस एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख ले। शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक के साथ। इनविक्टो अब एक ऐसी गाड़ी है जिसका इंतज़ार तो ऐसे बहुत लोग नहीं कर रहे थे बिकॉज बहुतों को पता ही नहीं था ये प्रोडक्ट आने वाला है। कंपनी ने इसे एक सीक्रेट रखा पब्लिक के लिए, मीडिया को तो पता ही था, थोड़ा बहुत आइडिया था ही, लेकिन इनोवा हाई क्रॉस का एक ये जो वर्जन है मारुति सुजुकी इनविक्टो, ये एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी USP पता क्या होने वाली है, ये इनोवा के साथ कम्पीट जरूर कर रही है, इनोवा के डायमेंशंस, इनोवा का प्लेटफॉर्म लेके आती है। टोयोटा ही इसको अपनी फैक्ट्री में बनाने वाला है, मारुति सिर्फ नेक्सा की डीलरशिप से बेचेगा। लेकिन सबसे खास बात, इसका प्राइस इनोवा हाई क्रॉस से काफ़ी कम होने वाला है। अब उसके पीछे का क्या राज है सब कुछ बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लॉन्च डेट के बारे में। July 5th कुछ ही दिन रह गए, इसकी प्रॉपर प्राइसिंग अनाउंसमेंट सब कुछ सामने आ जाएगा। हो सकता है प्राइस अभी ना आए प्राइस, लेकिन जुलाई के बीच में ही आ जाएगा बिकॉज जो गाड़ी है उसे कम्प्लीटली अनवील कर दिया जाएगा July 5th को। सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और प्राइस भी या तो उसी दिन या कुछ दिनों बाद उसकी प्राइस भी आ जाएगी। बुकिंग्स ऑलरेडी ओपन है, 25,000 rupees, सिर्फ और सिर्फ 25,000 rupees देकर आप इस इनविक्टो को बुक करवा सकते हैं किसी भी नेक्सा डीलरशिप पे या फिर ऑनलाइन भी। फीचर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो बताना चाहूँगा, इनोवा हाई क्रॉस और इनविक्टो दोनों सेम प्लेटफॉर्म सेम ही डायमेंशंस के साथ आने वाली है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में नहीं होने वाला। तो डायमेंशंस आपके लिए यहाँ पर इनोवा हाई क्रॉस के लिख देता हूँ जो कि इनविक्टो के भी सेम ही रहने वाले हैं, चाहे ग्राउंड क्लीयरेंस हो, चाहे बूट स्पेस हो, चाहे इसकी लेंथ हो, हाइट, विड्थ, सब कुछ सेम रहेगा इंक्लूडिंग द व्हील बेस एज वेल। इंजन वहाँ पर भी आपको सिमिलैरिटी क्या सेम ही चीज़ देखने को मिलेगी जो कि 2 लीटर का पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है लेकिन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी कि एक बैटरी और मोटर होगी जिसकी वजह से ये अचीव कर पाएगा 23.24 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम्ड माइलेज। तो हाइब्रिड इंजन की सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि क्लेम्ड माइलेज इनकी अप्रॉक्सीमेटली हाईवे पर आपको 21-22 के का मिल जाती है एक्चुअल माइलेज, और अगर हम सिटी में बात करें तो 25 से 26 किलोमीटर पर लीटर आराम से आपको मिल जानी चाहिए विद अ पेट्रोल इंजन, और वो भी इतनी बड़ी गाड़ी के साथ। सुनने में हैरानी जरूर होती होगी लेकिन हाइब्रिड इंजन्स की टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे ही काम करती है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बैटरी का काम होता है। ऐसा करते हैं, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। ग्रैंड विटारा में जब हाइब्रिड आई थी तब हमने उसका डिटेल में समझाया था कि हाइब्रिड कैसे काम करता है, तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी उस तरीके से काम करती है, बस कार टू कार वो डिफर कर जाती है बिकॉज बैटरी का साइज, मोटर की कैपेसिटी कुछ ज़्यादा होती है, मोटर की पावर डिलीवरी कैपेसिटी ज़्यादा होती है या कम होती है। तो उसके लिए ग्रैंड विटारा की वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। काफ़ी अच्छे से हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कैसे आपकी ज़िंदगी आसान बनाती है। बात करते हैं इंजन के बारे में, तो बताऊंगा कि इसमें कोई मैनुअल ट्रांसमिशन आपको नहीं ऑफर की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक हाइब्रिड ऑप्शन होगी। जैसे इनोवा हाई क्रॉस में आपको एटलीस्ट एक नॉन हाइब्रिड ऑप्शन भी मिलती है, लेकिन इनविक्टो में ऐसा नहीं होगा जहाँ तक अभी हमें पता है। ECVT ट्रांसमिशन के साथ आएगी और 7-सीटर 8-सीटर दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगी, तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी ऑप्शन होगी। अगर किसी को कैप्टन सीट्स लेनी है तो 7 सीट्स के ऑप्शन है, अगर खुले डुले हो गए आराम से जाना चाहते हैं ज़्यादा लोगों को लेकर तो 8-सीटर ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी। प्राइस भी बताऊँगा, डोंट यू वरी। अभी जो हमारे सामने कलर आया वो वाइट कलर है, डीलरशिप यार्ड में ऑलरेडी आ गया, तो डीलरशिप यार्ड में आ गया तो लॉन्च ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। डीलरशिप यार्ड में आने का मतलब ये है कि अब जल्दी ही कम जो व्हीकल है वो डिस्प्ले पे भी आ जाएगा, और ये टॉप वेरिएंट है जिसकी आप फोटो देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखा होगा, डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। डिज़ाइन वाइज मेजर जो फ़र्क आ रहा है, एक तो ग्रिल आपको डिफरेंट मिलने वाली है एज़ कम्पेयर टू इनोवा हाई क्रॉस, तो ये कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा जैसी जो आपको ग्रिल है वो मिलेगी। फ्रंट बम्पर कम्प्लीटली चेंज हो गया, जहाँ पर स्किड प्लेट भी देख सकते हैं वो डिफरेंट है। न्यू अलॉय व्हील्स आपको मिल जाएंगे। चौथा ऑफकोर्स लोगो, तो टोयोटा की जगह सुजुकी का लोगो मिल रहा है। DRLs आपको काफ़ी डिफरेंट मिल रहे हैं, जैसे कि हमने ग्रैंड विटारा, इवन फ्रॉक्स, इवन बलिनो में DRL देखे हैं, वैसे ही आपको इसमें इनविक्टो में भी देखने को मिलेंगे। फॉग लैम्प्स अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलने वाले आपको इनविक्टो में, काफ़ी अजीब लग रहा है वैसे, जो कि इनोवा हाई क्रॉस उसके फॉग लैम्प काफ़ी नीचे हैं, वो रखे गए हैं इसके बम्पर के पास, लेकिन यहाँ पर जब बम्पर और फॉग स्प्लिट कम्प्लीटली चेंज ही कर दी है तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि फॉग लैम्प्स नहीं है यार इनविक्टो में, कोई बात नहीं चलो। इंटीरियर में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है इनविक्टो और इनोवा हाई क्रॉस में, कि इनोवा में आपको मिल जाता है एक टैन ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन, थोड़ा डार्क थीम बेस्ड रहता है।
लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इनोवा की जगह इन्विक्टो की तरफ, तब आपको देखने को मिलेगा एक ब्लैक के साथ शैम्पेन गोल्ड का कॉम्बिनेशन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा प्रीमियम टच प्रोवाइड कर रहा है। टैन हालांकि मुझे ज़्यादा प्रीमियम लगता है, बट आई पर्सनली बिलीव कि अगर इन्विक्टो का जो ये डिफरेंट इंटीरियर है ये काफ़ी लोगों को अच्छा लगेगा, बिकॉज ये पहले बहुत लोगों को अच्छा लगता था ब्लैक एंड सिल्वर फिनिशिंग शैम्पेन गोल्ड। एनीवेज अगला फीचर जो है, ये तो चलो डिज़ाइन के बारे में बात होगी, आपको बताना चाहूँगा कि और क्या डिफरेंस आए थे, लिख भी देते हैं साथ साथ आपके। तो ADAS फीचर्स, हम सब जानते हैं कि टोयोटा का सेफ्टी सेंस टेक्नोलॉजी इनोवा हाईक्रॉस में आती है, लेकिन ध्यान रखें कि अभी तक के जो र्यूमर्स कह रहे हैं ज़्यादातर वो सच भी होने वाले हैं। मारुति सुजुकी जो इन्विक्टो लेकर आ रही है उसमें आपको ADAS फंक्शंस नहीं मिलेंगे। येस यू हर्ड दैट राइट, ADAS की रिक्वायरमेंट मारुति कहती है नहीं है, फालतू में पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा कस्टमर्स को, और फिर डिफरेंस ही क्या रह जाएगा इनोवा हाईक्रॉस और इन्विक्टो में। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बिना ADAS का भी एक गाड़ी होना ज़रूरी है, तो इन्विक्टो में आपको ADAS नहीं मिलेंगे। दिस इज़ वॉट वी हैव हर्ड राइट नाउ, 100% ये कन्फर्म नहीं है, बट 99.9% ये कन्फर्म्ड है। देन नेक्स्ट इज प्रीमियम JBL स्पीकर्स, जो कि आपको नहीं मिलेंगे इन्विक्टो में। इन्विक्टो में आपको सिंपल स्पीकर्स मिलेंगे, अब वो कितने होते हैं नहीं पता, बिकॉज इनोवा हाई क्रॉस जो आती है उसमें 9 स्पीकर सिस्टम मिलता है JBL का, जो कि कमाल का स्पीकर सिस्टम है, लेकिन अगेन प्रीमियम है तो उसके पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो जो मारुति सुजुकी की इन्विक्टो है वो इनोवा हाई क्रॉस से सस्ती होने वाली है, काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, तो कहीं ना कहीं इसमें फ़र्क तो आएगा ही। स्पीकर सिस्टम अब 6 होते, 7 होते, 8 होते, थोड़ा सा रुक जाओ, वो भी पता लग जाएगा। पावर्ड टेलगेट, इनोवा हाईक्रॉस में आपको जो टेलगेट है वो पावर्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली मिलता है, जिसमें बटन प्रेस करो डिक्की खुल, बटन प्रेस डिक्की बंद, वो चीज़ हो सकता है कि आपको इन्विक्टो में देखने को ना मिले। कॉस्ट कटिंग करनी है तो यहाँ कर रही है कंपनी, बट आई थिंक पावर टेलगेट से उतना ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं था, बस एक हाँ लिस्ट में एक और चीज़ ऐड होगी कि हाँ ये डिफरेंस है। ओके, मेमोरी फंक्शंस को लेके बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, कि पहले एक्चुअली र्यूमर आया था कि मेमोरी फंक्शंस जो सीट है इनोवा हाईक्रॉस में तो आती, इन्विक्टो में नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज फोटो जो हमने इंटीरियर किया है उसमें मेमोरी सीट्स का जो बटन है वो हमें क्लियरली तो नहीं बट हाँ विजिबल है, तो मुझे नहीं लगता कि मेमोरी फंक्शंस मिसिंग होंगे। मेमोरी फंक्शन वाली सीट जो है वो आपको ऑप्शन मिलेगी ही इन्विक्टो के साथ, और हाँ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट 8-way हो जाती है बाय द वे। चलिए अब बात करते हैं इसके और इंटरेस्टिंग, ये तो हो गए इसके चेंजेस, अभी चेंजेस और बताऊंगा। ये अभी हुए हैं मेरे ख्याल से 10 चेंज, अभी 11, 12, 13, 14 रहते हैं और 15 भी ऑफकोर्स रहता है। चलिए बात करते हैं इसके राइवल्स के बारे में। राइवल्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ऑफकोर्स MG हेक्टर प्लस, साथ में XUV700, ये इसके मेजर राइवल्स है। बाकी टाटा सफारी, ह्यूंडई एल्काज़ार तो हैं ही, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसका मेजर कॉम्पिटिशन हेक्टर प्लस और XUV700 के साथ ही होगा, बिकॉज वो इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा फीचर वाली गाड़ियाँ हैं, चाहे वो पावर टेलगेट हो हेक्टर का, या फिर ADAS फंक्शंस, या प्रीमियम इंटीरियर ऑफ द XUV700 वाला, कि हेक्टर का भी इंटीरियर इज रियली अमेजिंग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि कैसे इन दोनों व्हीकल्स के साथ इसे कम्पीट किया जाता है, और ऑफकोर्स इनोवा हाईक्रॉस के साथ इसका कॉम्पिटिशन होना ही है। बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। देखो जो कॉमन फीचर्स हैं जो मिलेंगे ही मिलेंगे वो आपको मिल जाते हैं, एक तो 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स फॉर द टॉप मॉडल, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ विद एम्बिएंट लाइटिंग, 360 डिग्री कैमरा, 10.1 इंच की टच स्क्रीन, 6 एयरबैग्स, पैडल शिफ्टर्स, ड्राइव मोड्स, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम। ये फंक्शंस वो हैं जो बहुत मेजर हाईलाइट हैं, जो कि आपको इन्विक्टो में मिलेंगे। अब इन्विक्टो डेफिनेटली मारुति सुजुकी कंपनी का सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से होना भी चाहिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जो प्रीमियम कैटेगरी में आता है। अब ये प्रीमियम कैटेगरी है मतलब बड़ी गाड़ी है, तो इसको बड़ा इंजन चाहिए, तो 2 लीटर का वही आपको हाइब्रिड पावर ट्रेन जो है वो मिलेगी, फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ, जो कि 23.24 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज प्रोवाइड कर पाते हैं, और साथ में आपको मिल जाती है पावर वाइज 183 BHP एंड 206 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। जब हमने इनोवा हाईक्रॉस को चलाया था तो इतना कोई खास पावर नहीं लगी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टॉर्क किक इन जल्दी करती है। अब हमें इनोवा डीजल याद आती है, उसका अलग ही लेवल था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस व्हीकल की प्राइस कितनी हो सकती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनोवा हाईक्रॉस की जहाँ तक प्राइस आती है अब 18.55 लाख से शुरू होती है, लेकिन वो आता है इसका नॉन हाइब्रिड वेरिएंट। तो हम सिर्फ हाइब्रिड वेरिएंट की बात करें तो 25 लाख से शुरू होकर 29.99 लाख तक उसका प्राइस जाता है। बट ध्यान रखें, मारुति सुजुकी का प्लान है कि इन्विक्टो के साथ ज़्यादा वेरिएंट लॉन्च ना किए जाएं, कम से कम रखे जाएं, यानी कि अगर जेटा और अल्फा भी देखते हैं जैसे कि जिमनी में किया, तो कहीं ना कहीं VX ऑप्शनल या ZX ऑप्शन में या ये वाले जो दो वेरिएंट्स हैं ये बनेंगे इनोवा हाईक्रॉस की जगह इन्विक्टो के जेटा और अल्फा वेरिएंट्स। बट मेरे हिसाब से
सिग्मा और डेल्टा आना चाहिए। जिमनी में भी मेरी यही राय थी कि वेरिएंट्स कम नहीं करने चाहिए, बट बात वही आ जाती है कि जिमनी में तो चलो कोई रीज़न ऐसा बनता नहीं था। इनोवा हाइक्रॉस की जहाँ तक बात आती, सॉरी इनविक्टो की जहाँ तक बात आती है, अब वो टोयोटा के प्लांट में बननी है। अब दो वेरिएंट्स से ज़्यादा अगर वेरिएंट्स बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड पर इफेक्ट आएगा, प्रोडक्शन लाइन पर इफेक्ट आएगा। बट स्टिल अगर सिग्मा वेरियंट आए तो 24 लाख का 23.99, डेल्टा वेरिएंट आए तो 24.99, और साथ में जेटा आएगा तो 26.99, और अल्फा तो 29.99 लाख के एक्चुअल प्राइस पर। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। अब सिग्मा वेरिएंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वो एक ऐसा वेरिएंट होगा जिसको एक बड़ी गाड़ी चाहिए लेकिन फीचर्स ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उसके लिए एक बड़े इंजन के साथ हाइब्रिड पावर ट्रेन से जिसमें माइलेज भी अच्छी मिल जाती है, यानी कि अगर कैब पर्पज से भी उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होगी, और मारुति सुजुकी का नेटवर्क तो है ही। अब सिग्मा में अगर 8 इंच की टच स्क्रीन, एंड्रॉयड 2, एप्पल कारप्ले, 16 इंच के अलॉय व्हील्स जैसे कि GX वेरिएंट में मिलते हैं वैसा हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। नहीं तो अगर आपको लेनी है तो आपको मिल जाती है एक जी सेल्फ वेरिएंट जो कि नॉन हाइब्रिड नॉर्मल है, और उसमें माइलेज कम हो जाती है, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है। अब अगर कैब की तरह यूज़ करना है तो माइलेज तो ज़्यादा चाहिए ही, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हाइब्रिड के साथ अगर एक GX वेरिएंट यानी कि एक सिग्मा वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट आता है तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा कंपनी के लिए। अब आते हैं बाकी चेंजेस पे। 11वां, 12वां, 13वां और 14th है। 11वां है, एक तो ये नेक्सा डीलरशिप के थ्रू सेल किया जाएगा, ना कि टोयोटा से। तो ऑफकोर्स चाहे टोयोटा बना रही है लेकिन इसको सेल किया जाएगा नेक्सा डीलरशिप के थ्रू। उसके अलावा वेरिएंट्स, अगर टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की तरफ देखें तो बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम इनविक्टो की बात करें तो उतने वेरिएंट्स नहीं होने वाले। नेक्स्ट आ जाएगा ऑफकोर्स, जैसे कि आपको इनोवा हाईक्रॉस में मिलता है एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन नॉन हाइब्रिड वाला, यहाँ पर इनविक्टो में वो अवेलेबल नहीं होगा। फिर ऑफकोर्स आ जाता है इसकी ओवरऑल सर्विस नेटवर्क की बात करें, अब नेक्सा की डीलरशिप ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं सर्विस नेटवर्क में भी बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। और 15th नाम का ये टू बी वेरी ऑनेस्ट कि नाम जो है वो आपको डिफरेंट मिल जाता है, और इनोवा हाईक्रॉस एक बड़ा नाम लगता है, इनोवा की फैन फॉलोइंग लगे लेकिन अभी भी क्रिस्टा आती तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, और हाईक्रॉस इतना खास नाम लगता नहीं लेकिन इनविक्टो नाम फिर भी ठीक लग रहा है। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इनविक्टो, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसकी डिटेल वीडियोस कंपैरिजन से लेकर ड्राइव रिव्यू और वॉक अराउंड भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लें अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।